नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। आज के इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूँ। स्पेशली ट्रांसवर्स नेचर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। इसके पहले के ठीक जो ठीक पहले एक वीडियो मैंने बना करके आपको शेयर किया है, उसमें मैंने मैक्सवेल के चार समीकरणों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, वो चार समीकरणें कौन कौन सी है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। जो पहली मैक्सवेल इक्वेशन है वो है गाउस लॉ के द्वारा जो इक्वेशन मिलती है उसको पहली मैक्सवेल इक्वेशन हम कहते हैं, जिसमें डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन होता है। यहाँ एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, रो किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर मौजूद चार्ज डेंसिटी है। इसी गाउस लॉ को यदि हम मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए लिखें तो ये डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो के रूप में होता है, और इसी को हम मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन कहते हैं। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा प्राप्त होती है, जिस जो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी के रूप में दी जाती है। फैराडे लेंज लॉ का एक स्पेशल फॉर्म है ये, इसको हम मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन कहते हैं, डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई करने के बाद मैक्सवेल ने इस इक्वेशन का यूज किया था, इस इक्वेशन को मैक्सवेल एम्पियर लॉ भी हम कहते हैं। ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है, डेल क्रॉस पी इज इक्वल टू म्यू जे प्लस न्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी है, म्यू मीडियम की परमिएबिलिटी है। हमको मालूम है कि जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में प्रोपगेट होती है उसकी वेलोसिटी भी 1/√μ/ε से दी जाती है, और लाइट की वेलोसिटी, लाइट की जो स्पीड है सी, उसकी वैल्यू होती है 1/√μ/0ε0, जहाँ μ0ε0 वैक्यूम की परमिटिविटी और परमिएबिलिटी कहलाती है। इन चारों इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वेव इक्वेशन निकाली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेल डॉट ई इजिकल टू न्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी टू, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए डेल टू बी इजिकल टू न्यू एप्सिलॉन डेल टू बी डेल टी टू। और इसके कारण जो जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इक्वेशन है, प्रोपगेशन इक्वेशन है, उसको हमने लिखा था E इज इक्वल टू ई जीरो ई टू दी पावर आयोटा एक्स माइनस ओमेगा टी एंड ई टू दी बी इज इक्वल टू बी जीरो ई टू दी पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी वन डायमेंशन के लिए, और यदि इसको थ्री डायमेंशनल स्पेस के लिए लिखें तो ये हो जाएगी E इज इक्वल टू ई जीरो ई टू दी पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी एंड बी इज इक्वल टू बी जीरो ई टू दी पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। 1/√μ0ε0 में म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू जब हम रख देते हैं तो हमको वेलोसिटी ऑफ लाइट सी की वैल्यू प्राप्त होती है, जो कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड प्राप्त होती है। साथ ही हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको भी निकाला था, दैट इज गिवन एज
n is equal to under root epsilon r। इस प्रकार पिछले वीडियो में मैंने ये आपको सब चीजें बताई थी। आज हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के घटक की, और ये देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती है। माना, सबसे पहले हम ये मान के चलें कि जो आइसोट्रोपिक चार्ज फ्री और करंट फ्री जो मीडियम है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में जेड एक्सिस की ओर प्रोपगेट हो रही है। अतः इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कंपोनेंट है अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड का, वो केवल डिस्टेंस जेड और टाइम टी के सापेक्ष परिवर्तित होगा और वाई और जेड वाई एक्स और वाई डायरेक्शन में अपरिवर्तित रहता है, अर्थात टेल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू टेल अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ जेड एन टी फॉर दिस कंडीशन, सिमिलरली बी इज इक्वल टू बी जेड टी, और हमने ये पहले लिया हुआ है कि हम चार्ज फ्री और करंट फ्री रीजन की बात कर रहे हैं, मीडियम की बात कर रहे हैं, तो रो इज इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू जीरो के लिए मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि आपको मालूम है डेल डॉट ई को हम डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ई वाई अपॉन डेल जेड प्लस डेल ई जेड अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, और डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू चूंकि जीरो है तो हमको मिलेगा डेल ई जेड अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। स्पष्ट है कि ई जेड दूरी के सापेक्ष सदैव नियत होगा, ये हमने यहाँ प्रूव किया है। सिमिलरली जो मैक्सवेल की सेकेंड रिलेशन है डेल डॉट वी इज इक्वल टू जीरो, उसको यदि हम इस्तेमाल करें तो डेल बी एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी जेड अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो प्राप्त होगा, और डेल अपॉन डेल एक्स एंड डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्योंकि जीरो है तो हमको डेल बी जेड अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो प्राप्त होगा, जो हमें देगा कि बी जेड की वैल्यू भी जेड के सापेक्ष नियत है, दूरी के सापेक्ष नियत रहती है। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन का डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी का। डेल क्रॉस ई तो हम जानते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स जीरो जीरो ई एक्स ई वाई ई जेड, क्योंकि आपको मालूम है हमने ये पहले लिया हुआ है कि डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई का मान जीरो होता है। उस परिस्थिति में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमको आई कंपोनेंट जीरो मिलेगा, जे के कंपोनेंट हमको जीरो प्राप्त होता है, और इस परिस्थिति में जब आप पूरा वैल्यू इन वैल्यूज का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको मिलेगा बी जेड कॉन्स्टेंट विथ टाइम, ये स्थिति हमको प्राप्त होती है। सिमिलरली जब फोर्थ इक्वेशन की हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में डेल क्रॉस पी इक्वल टू न्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी हमको प्राप्त होता है, और यहाँ जो रिलेशन हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा था उसकी वैल्यू क्योंकि हमको प्राप्त होगी डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में हमको मिलेगा आई जे के, सेकेंड रो में अपने को मिलेगा जीरो जीरो डेल अपॉन डेल जेड
और थर्ड रो जो है वो मिलेगी ई एक्स ई वाई ई जेड, अर्थात जे कंपोनेंट हमेशा आपको जीरो देगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो जेड कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जिससे हमको बी जेड कॉन्स्टेंट विद टाइम प्राप्त होगा। फोर्थ इक्वेशन का यदि मैं यूज करूँ डेल क्रॉस डी इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, तो इसकी तरह डेल क्रॉस डी को हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लें। फर्स्ट रो में हमको मिलेगा आई जे के, सेकेंड रो में हमको मिलेगा डिटरमिनेंट पी जीरो जीरो डेल अपॉन डेल जेड, थर्ड रो में हमको मिलेगा बी एक्स बी वाई बी जेड। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में हमको जीरो प्राप्त होगा के कंपोनेंट, और राइट साइड में हमको जो कंपोनेंट मिलेगा वो मिलेगा म्यू एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी ई जेड। स्पष्ट है कि डेल ई जेड अपॉन डेल टी जीरो प्राप्त होता है, जो ये सिद्ध करता है कि ई जेड टाइम के साथ कॉन्स्टेंट रहता है। इस प्रकार हमने यहां से ये प्रूव किया है कि ई जेड और बी जेड दोनों ही कंपोनेंट दूरी जेड और समय टी के सापेक्ष नियत रहते हैं। ये हमने या वन बाई वन इस कंडीशन को हमने प्रूव किया है। आप यहाँ देख सकते हैं ई जेड कॉन्स्टेंट विद टाइम विद डिस्टेंस जेड, बी जेड ऑल्सो कॉन्स्टेंट विद जेड, बी जेड कॉन्स्टेंट विद टी, ई जेड कॉन्स्टेंट विद टी। जब इन चारों को एक साथ हम लें तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हमको प्राप्त होता है कि ई जेड दूरी और समय के सापेक्ष कॉन्स्टेंट रहता है। सिमिलरली बी जेड भी समय और दूरी के सापेक्ष कॉन्स्टेंट प्राप्त होता है। परंतु हमको मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो प्रोपेगेशन है उसमें क्षेत्रों का मान, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का मान लगातार परिवर्तित होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो जेड घटक हम यहाँ ले रहे हैं उसका मान इन जनरल शून्य माना जा सकता है, अर्थात ई जेड और बी जेड कंपोनेंट जीरो लिए जा सकते हैं। इस प्रकार जो विद्युत चुंबकीय तरंग हमको प्राप्त होती है उसमें जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, उनका वैल्यू हमको प्राप्त होगी ई इक्वल टू ई एक्स आई प्लस ई वाई जे, बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे के फॉर्म में। उपरोक्त जो डिस्कशन हमने किया है उससे स्पष्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोपेगेशन डायरेक्शन के लंबवत होते हैं, क्योंकि तरंग संचरण की दिशा जेड के अनुदिश हम ले रहे हैं और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के जो घटक हैं ई जेड बी जेड उनका मान शून्य प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। इस प्रकार की तरंग को हम समतल विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। अतः जब भी आप विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए इनकी जो नेचर है वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इनमें होता है, इसलिए ये ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपेगेशन करती है, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो अनुप्रस्थ
तरंग होती हैं और किसी दिए गए मीडियम में अनुप्रस्थ तरंग के रूप में फ्लो करती है। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।